నిర్మల్ జిల్లా భైంసాపట్నం ఏఎస్పీ కాంతిలాల్ పాటిల్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రకటించిన ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ సందర్భంగా భైంసాపట్నమంతా పలు దాబాల్లో మద్యం తనిఖీ చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా పలు దుకాణాల మీద తనిఖీ చేసి మద్యాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా భైంసా మండలం మాటికా వద్ద భైంసా నిర్మల జాతీయ రహదారిపై ఏఎస్పీ కాంతిలాల్ పాటిల్ ఆధ్వర్యంలో వాహన తనిఖీ చేశారు. ఎన్నికల కోడ్ అమలు రావడంతో 50,000కు మించి నగదు తీసుకెళ్లిన, అక్రమంగా మద్యాన్ని తరలించిన, మోతాదుకు మించి డబ్బులు తరలించిన వారిపై కేసు నమోదు చేస్తున్నామని వెల్లడించారు. ఎన్నికల కోడ్ నియమావళిని ఎవరు ఉల్లంఘించినా వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోబడతాయని ఈ సందర్భంగా తెలిపారు. यहाँ पर हम लोग आए थे कि पूरा व्हीकल चेकिंग वगैरह कर रहा है. जो भी कैश मिलेगा वो सिर्फ सीजर होगा. प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई भी प्रूफ दिखाया तो छोड़ देंगे पुलिस. ऐसा नहीं कि विदाउट एविडेंस होके पकड़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा. जो भी एविडेंस होगा उसके अकॉर्डिंगली छोड़ देंगे. ये मकसद है कि इलीगल एक्टिविटी जो भी है इलेक्शन में उनको कब करना, ना कि किसी को हरेस करना पुलिस को. पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है कि पुलिस के साथ कॉपरेट कीजिए. जहाँ पर भी बोले वहाँ पर कि रुक थोड़ा सा पुलिस को चेकिंग कर लीजिए. तो आप ही खुद से बैग खोलिए, पुलिस नहीं खोलेंगी बैग्स वगैरह. आपसे ही खुद से बैग वगैरह खोलने को बोलेगी, आपसे ही वो डिक्की खोलने को बोलेगी. तो पुलिस पूरा कॉपरेट करेगी पुलिस पब्लिक के साथ. तो पब्लिक को पूरा कॉपरेट करना. और ये सोशल मीडिया के पे भी कुछ पुलिस के साथ रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया पे भी कुछ रूमर्स मत फैलाइए, वरना लीगल एक्शन लेके लिया जाएगा. और अभी इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्समेंट है, तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी मत कीजिए जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसके अगेंस्ट होगा. पुलिस पब्लिक का यही रिक्वेस्ट है पुलिस से कि सब अच्छे से कीजिए. लीकर बहुत सीज कर रहे हैं, जो भी इलीगल महाराष्ट्र से बहुत कुछ लेकर आता है देसी गाड़ी, वो भी सीज करना चाहते हैं. और आज भी भैंसा टाउन में थोड़ा सा लीकर सीज हुआ है, उसका डिटेल्स हम सब्सिक्वेंटली दे देंगे. अभी जस्ट रेड किया था तो अभी लीकर हो रहा है और कैश भी सीज होना शुरू हो गया है. जस्ट जितना भी मिलेगा उतना सब प्लेस में बता दिया जाएगा टाइम.